Single user operating system and multi user operating system. First, we will discuss about single user operating system. Single user can use computer at a time. अगर single user operating system आप use कर रहे हैं तो it means एक time पे उसे सिर्फ एक user ही use कर सकेगा, ठीक है? Like you can see your computer you are using at your home, आप computer जो use कर रहे हो उस time पे जब आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो कोई और उस टाइम पे यूज नहीं कर सकता, ठीक है? आप उठोगे, आप छोड़ोगे कंप्यूटर को, लॉग आउट कर देते हो, उसके बाद कोई और बैठ के उसको यूज कर सकता है. सो दिस इज समथिंग यू नीड टू लर्न अबाउट दैट कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल क्या है कि जिसको एक टाइम पे एक यूजर यूज कर सकता है. सिंपली योर कंप्यूटर्स एट योर होम जो सिंगल यूजर हैं जिसपे एक टाइम पे एक ही पर्सन जो है उसको यूज कर सकेगा. एग्जाम्पल्स हैं इसकी, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज इज द सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज भी एक टाइम पे एक ही स्टूडेंट या एक ही पर्सन यूज कर सकता है, डॉस भी एक टाइम पे एक ही पर्सन जो यूज कर सकता है. नेक्स्ट वी विल गो टूवर्ड्स मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. मल्टी यूजर एज अ नेम सजेस्ट, मल्टी मीन्स ज्यादा, यूजर मीन एक से ज्यादा यूजर एक टाइम पे यूज कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को. मल्टी यूजर्स कैन यूज दिस ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम डिफरेंट टर्मिनल्स. अब इसको हरगिज ये नहीं समझना आपने कि एक ही कंप्यूटर पे 10 लोग चिपके हुए हैं, 10 लोग बैठे हुए हैं और उसको यूज कर रहे हैं. इट इज नथिंग लाइक दैट. मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि डिफरेंट टर्मिनल, आप सारे कंप्यूटर जो हैं वो एक नेटवर्क में कनेक्टेड होंगे. एक उसमें मेन कंप्यूटर होगा जिसे हम सर्वर कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है? और बाकी सारे उसके टर्मिनल्स होंगे या बाकी सारे कंप्यूटर जो सर्वर कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं, दे आर कॉल्ड एज टर्मिनल्स, ठीक है? आप यहाँ पे जिस तरह एग्जाम्पल में देख सकते हो मेन फ्रेम है दरमियान में, दैट इज अ सर्वर. और 1, 2, 3, 4 जैसे हैं, लेट मी शो यू. अगर आप यहाँ से देखो, ये हैं आपके मल्टी यूजर, ये सारे 1, 2, 3, 4 ये सारे जो कंप्यूटर्स हैं आपके, दे आर कॉल्ड एज टर्मिनल्स, ठीक है? और ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहाँ पे इंस्टॉल होगा, इस मेन फ्रेम पे, ठीक है? मेन फ्रेम पे जब ये चीज इंस्टॉल होगी तो ये होगा कि दिस इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. ये अलाउ करेगा डिफरेंट कंप्यूटर्स को कि उसके थ्रू आप डाटा गेट कर सको, ठीक है? इंस्टॉल्ड ऑन सर्वर कंप्यूटर, नॉट ऑन माइक्रो कंप्यूटर्स. ये कभी भी माइक्रो कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल नहीं होता है, ठीक है? ये कहाँ पे इंस्टॉल होगा, आपके सर्वर कंप्यूटर्स पे. एंड दिस वॉज योर फर्स्ट लेक्चर. टू शॉर्ट, सिंपली यू नीड टू लर्न अबाउट द डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर आप इस पिक्चर से देखो तो ये जो टर्मिनल्स हैं इन पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, सिंगल यूजर, जिसको एक टाइम पे एक यूजर इंस्टॉल कर यूज कर रहा है. लेकिन ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है जिसके साथ बाकी सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, इस पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, दैट इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. और अब वो कैसे होगा, वो सिंपली ऐसे होगा कि मल्टी यूजर इसको कैसे हम बोल सकेंगे, क्योंकि ये सारे यूजर इस कंप्यूटर को यूज कर रहे होंगे. इन सब यूजर्स के इस मेन फ्रेम कंप्यूटर पे अकाउंट्स बने हुए होंगे. उन अकाउंट्स को यूज करते हुए आप जो है अपना इसको मल्टी यूजर का नेम दे सकते हो. जैसे ये दिस इज योर मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है? इस मेन फ्रेम कंप्यूटर पे के थ्रू ये जो लेट्स सपोज यूजर वन है, इसका अकाउंट बना हुआ होगा सर्वर कंप्यूटर पे. अब वो लॉग इन होगा अपने अकाउंट से और उसको यूज करेगा मेन फ्रेम को. उसी टाइम पे कंप्यूटर टू जो है वो भी मेरी इसके साथ लॉग इन होया हुआ होगा, कंप्यूटर थ्री भी इसके साथ लॉग इन होया हुआ होगा, कंप्यूटर फोर भी इसके साथ लॉग इन होया हुआ होगा. अब ये सारे कंप्यूटर इसको यूज कर रहे हैं तो इट इज मल्टी यूजर, जिसको एक टाइम पे चार कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, ठीक है? और बाकी सारे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है क्योंकि वहां पे कोई एक ही पर्सन बैठा हुआ है जो इसे यूज कर रहा है, ठीक है? तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. दैट वाज योर पार्ट वन फर्स्ट लेक्चर.